आपकी दुनिया हमारी दुनिया, सबकी दुनिया खबर की दुनिया, मोतबर और तेज तर खबरों का जदीद नेटवर्क दुनिया न्यूज की 10वीं साल की राह, काबिले एतमाद और बासलाहियत टीम की काविशें, कामयाबी के 10 साल मुकम्मल, शहर भर में जश्न, केक काटने की तकरीर। आज पर लाहौर में बड़ी अदालत लगेगी, चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में दो रुकनी बेंच अहम मुकदमात पर समाप्त करेगा। अली मकान के बैरून मुल्क असासे, मनशबम केस, सरकारी अस्पतालों की हालत इजाज समेत मुख्तलिफ केसेस कॉक्स लिस्ट में शामिल। पंजाब हुकूमत ने तब्दीली के नारे पर कितना अमल दरामद किया, 100 रोजा प्लान और बुसरा की कारकर्दगी का जायजा लेने वजीर आजम आज लाहौर आएंगे। इमरान खान और वजीर आला पंजाब की वन ऑन वन मुलाकात होगी, सूबाई काबीना अजलास की सदारत करेंगे। घरों की मिसमारी नामंजूर नामंजूर, बाकुल बेगम के रहायशियों का बहावलपुर रोड मजंग पर एहतजाज, हुकूमत जिला इंतजामिया और मियानी साहब कब्रिस्तान कमेटी के खिलाफ नारेबाजी, घरों को मिसमार करने के ऑर्डर किसी सूरत कबूल नहीं, वजीर आजम नोटिस लें वरना खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाएंगे, मुजाहिरीन के साबिक गवर्नर पंजाब से मुजाकरात, एहतजाज मौखर। डीपी ऑफिस गुजरात में 70 करोड़ रुपए की करप्शन का मामला, पुलिस अफसरान भी नैब के शिकंजे में आ गए, साबिक सीटीओ लाहौर राजा अहमद अल समेत 10 पुलिस अफसर और एहलकार गिरफ्तार, राय एजाज पर पुलिस बजट में बेजाब्तियों का इल्जाम है, एसएसपी राय एजाज को कराची से गिरफ्तार किया गया, नैब तर्जमान लाहौर, गिरफ्तार मुलजिमों की आज एहतसाब अदालत पेशी का इम्कान। एक तरफ पुलिस खजाने की लूटमार में मसरूफ तो दूसरी तरफ शहर में डाकू राज बरकरार, पेप्सी रोड पर निजी स्टोर में 3 डाकुओं ने मालिक और शहरी को लूट लिया, डाकू लाखों रुपए और मोबाइल फोन छीन कर फरार, पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली, वारदात की सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। शहर में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए सिटी डिवीजन पुलिस का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन, बायोमेट्रिक सिस्टम से शहरियों के शनाख्ती कवायद का इंदराज, सर्च ऑपरेशन में मार्केट्स और बाजारों में चेकिंग की गई। डिफेंस फेज 5 में 1 घंटे में 2 कार हादसात में 3 अफराद जख्मी, एनी शाहिदीन के मुताबिक हादसात तेज रफ्तारी के बायस पेश आए, हादसात में दोनों कारें बुरी तरह मुतासर हुई, तीनों जख्मियों को जनरल अस्पताल मुंतकल कर दिया गया। 2 सवारियां, 2 हेलमेट और 2 दिन की ही मोहलत, मोटरसाइकिल पर डबल सवारी के लिए हेलमेट पहनने का मामला, ट्रैफिक पुलिस की मर्द खवातीन को डबल हेलमेट 2 दिन की रियायत, सीटीओ कहते हैं आज और कल चालान नहीं सर वार्निंग दी जाएगी, बच्चे संभालें या हेलमेट पकड़ें, अनोखी पाबंदी पर खवातीन नाला, चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील, मर्द हजरात भी खवातीन के हामी। ये तो बहुत ही गलत बात है ना, इस तरह तो होना ही नहीं चाहिए, दिस इज नॉट नाइस, ये चीफ जस्टिस साहब को एक्शन लेना चाहिए, लेडीज हेलमेट पहन के कैसे अच्छी लगेगी, छोटा बच्चे ना चुके हुए माँ तो उनकी डरावनी लगेगी, माँ का हक नहीं बनता। डबल हेलमेट अलाउ हो रहा है यकम से, इसमें जेंट्स के लिए तो ठीक है, जेंट्स इजीली पहन सकते हैं, जो लेडीज होती हैं साथ बच्चे गोद में उठाए होते हैं उनको बच्चा संभालना मुश्किल होता है। मेरा ख्याल है कि लेडी के साथ बच्चों को भी पहनाने चाहिए, अगर लेडीज को पहनाने हैं तो फिर बच्चों को भी पहनाना चाहिए। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव से महंगाई का तूफान बरपा, आफ्टर शॉक्स होलसेल मार्केट पर पड़ गए, अकबरी मंडी के ताजरों ने अस को 14 आइटम्स को महंगा कर दिया, इंतजामिया डीसी रेट पर अमल दरामद करवाने में नाकाम, दाल चना 14 से 15 रुपए महंगी, दाल माश 30 रुपए बढ़ गई, बेसन 12 रुपए, सुर्ख मिर्च 10 रुपए, चीनी 1 रुपए महंगी हो गई, मजीद महंगाई के तूफान का खदशा। डॉलर की कदर में इजाफा, लोहा मार्केट में भी भौंचाल बरपा, लोहा मार्केट ताजर कारोबारी लेन देन बंद करने पर मजबूर, सदर लोहा मार्केट आमिर सदीक कहते हैं मार्केट में लोहा खरीदारी में शदीद कमी आई है, जब तक डॉलर मुस्तहकम नहीं होता खरीदो फरोख्त को बंद रखा जाएगा। डॉलर महंगा होने के बाद आवाम के लिए कुछ रिलीफ, पेट्रोल और डीजल 2-2 रुपए फी लीटर सस्ता, मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर कमी, नई कीमतों का इतलाक हो गया, एलपीजी भी 14 रुपए फी किलो सस्ती हो गई।
मार नहीं प्यार। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल सेकेंडरी स्कूल शाहदरा में बच्चों पर तशद्दुद का मामला। लाहौर न्यूज की खबर पर महकमा तालीम ने नोटिस ले लिया। स्कूल प्रिंसिपल नजमा रियाज के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। 5 अरब 82 करोड़ रुपए जाया, एक्सप्रेसवे मंसूबा ठप। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबा तब्दीली, सरकार की गैर संजीदगी की नजर। साबिक हुकूमत के मंसूबे का मौजूदा हुकूमत ने नाम लेना भी गवारा न किया। एक्वायर शुदा 862 कैनाल अरासी बंजर हो गई। मंसूबे के पिलर्स की पाइल्स 80 करोड़ की लागत से बिछाई गई। किसी ने कहा कहते फ्री इलाज होता माड़िया बंद एक दिन रखा था ने आने सर और मरीज लिया के पाने होंगे ने चल तो उठ निकल दो कह रहे इसके पास कपड़े नहीं है गंदी है मुझे चला नहीं जाता। हादसे में टांगे क्या टूटी, मुआशरे ने मुंह मोड़ लिया। डॉक्टर और नर्से कहती हैं आपके कपड़े गंदे हैं, बदबू आती है। अब इलाज की ख्वाहिश नहीं रही, कोई घर ही छोड़ आए। न्यू अस्पताल में 8 रोज से मसीहाओं की बेइंतहाई की शिकार शासिया बीवी का शिकवा। लाहौर न्यूज पर खबर चलने के बाद मरीजा अस्पताल दाखिल, इलाज शुरू कर दिया गया। हुकूमत बदल गई, अस्पतालों की हालत ना बदल सकी, एक और बेहिसी। म्यू अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर शुगर और ब्लड प्रेशर का मरीज एड़ियां रगड़ने लगा। गुजरात का बशीर इमरजेंसी में सहूलत ना मिलने पर फर्श पर पड़े रहने पर मजबूर। लाहौर न्यूज के आवाज उठाने पर इंतजामिया हरकत में आई, मरीज को ठंडे फर्श से उठाकर इमरजेंसी में पहुंचा दिया गया। का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। हमें कॉफी का जिम दोबारा बन गया, पहले बड़ी सरगर्मियाँ फिटनेस की बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है, इसलिए आपकी दौड़ने उसकी वजह से ये जिम दोबारा ओपन हुआ है। और देख लें साढ़े बड़ी जो जितने भी दोस्त दोबारा अपनी गेम गाड़ रहे हैं फिटनेस के लिए दोबारा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बंद हो गए थे तकरीबन कोई 8-10 दिन बंद हो गए था, तो सब हम ये बस लेजी हो गए थे, सब घर पर पड़े रहे थे जी। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा खसूसन मीडिया का और खसूसन जो है वो लाहौर चैनल का कि जिन्होंने हमारे एक कॉल पे जहाँ भी हमने बुलाया वो आए। और इसकी वजह यही थी कि हुकूमत को जो इस पे हमारे मुतालबे मानने पड़े उसमें मीडिया हमारे साथ साथ था और मीडिया के ये इलम में था कि ये जो कुछ हुआ है गलत हुआ है। और हमने जो भी किया लड़कों की बेहतरी के लिए किया, लड़कों के एक्सरसाइज की बेहतरी के लिए किया। लाहौर न्यूज बना तनसाजों की आवाज, फिटनेस क्लब खुलने पर नौजवानों में खुशी की लहर, केक काटकर जश्न मनाया। तनसाज मामला उठाने पर लाहौर न्यूज के मशहूर, लाहौर न्यूज जिंदाबाद के नारे। और गुले दाऊदी की नमाइश, हर सू खुश रंग फूल, 250 एग्जाम के रंग बिरंगे फूल महकने लगे। जलानी पार्क में आए लोग कुदरत की रंगीनियों में खो गए।